बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कनाडा की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज है सब लोगों के लिए। बहुत टाइम से दोस्तों हम इन अपडेट्स का वेट कर रहे थे और अब फाइनली ये अपडेट्स आना जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहली अपडेट के अंदर हम बात करेंगे होटल क्वारंटीन को लेकर, सेकंड अपडेट पे हम बात करेंगे कनाडा के बॉर्डर्स रीओपन होने के बारे में, और थर्ड पे हम बात करेंगे विजिटर वीजा वालों के लिए। तो चले फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट अपडेट की, जो कि होटल क्वारंटीन को लेकर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, द फेडरल गवर्नमेंट ऑन वेनसडे अनाउंस दैट द फुली वैक्सीनेट कैनेडियंस ट्रेवल विल नो लॉन्गर रिक्वायर वैलेंट्री कोविड 19 होटल क्वारंटीन अपॉन अराइव इन कैनेडा। अब इसके अंदर दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में ही होटल क्वारंटीन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन किन किन लोगों के लिए, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, The government will allow fully vaccinated individuals, including the Canadian permanent residents and persons registered under the Indian Act and foreign nationals who are currently permitted to enter the Canada. अब इसके अंदर दोस्तों जिन लोगों के पास भी परमिशन है कनाडा जाने की, अगर वो फुली वैक्सीनेट है तो उनको होटल क्वारंटीन प्लान जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, इसके अलावा वर्क परमिट होल्डर्स हो गए, पीआर होल्डर्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, और जिन जिन के पास कनाडा जाने का परमिट है वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। साथ ही दोस्तों कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जो लोग भी कनाडा आना चाहते हैं और उनके पास आने की परमिशन है तो वो फुली वैक्सीनेट होने चाहिए और साथ ही में कोविड 19 के दोनों टेस्ट उन्हें करवाने होंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कनाडा अब फाइनली काम करना शुरू कर चुका है और ये एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का। साथ ही दोस्तों अमेरिका कनाडा पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाल रहा है कि बॉर्डर्स को रीओपन किया जाए। साथ ही में दोस्तों अमेरिका ने कनाडा से जो है वो 22 जून से पहले ही प्लान भी मांगा है कि वो अपने बॉर्डर्स कब रीओपन कर रहा है उसके बारे में बताया जाए। तो बहुत जल्द दोस्तों अब कनाडा गवर्नमेंट को भी इस पे रिस्पॉन्स करना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड अपडेट की, जो कि है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि एयर कनाडा ने अपनी फ्लाइट्स की बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और अगर हम बात करें दोस्तों प्रीवियस मंथ की, तो उस वक्त जब कनाडा गवर्नमेंट ने ये अपडेट भी नहीं दी थी कि इस बार भी बॉर्डर के बैन को जो है वो मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, उससे पहले ही एयर कनाडा की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि उनकी बुकिंग्स मजीद एक मंथ के लिए बंद कर दी गई है। जिसको देखते हुए दोस्तों ये चीज लगती है कि एयर कनाडा को ये चीज पहले ही पता चल गई थी कि कनाडा अपने बॉर्डर्स दोबारा से एक्सटेंड करेगा। अब उन्होंने दोस्तों 23 जून के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और जो लोग भी एयर कनाडा के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं तो उसका जवाब यही मिल रहा है उनको कि फ्लाइट्स की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और 23 जून से कनाडा के बॉर्डर्स ओपन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। तो फाइनली दोस्तों कनाडा अब अपने बॉर्डर्स ओपन करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड अपडेट पे, जो क्या है टूरिज्म सेक्टर को लेकर। काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं, उनके दो दो साल से वीजा पेंडिंग के अंदर है, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और ना ही कनाडा गवर्नमेंट इसके ऊपर बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर टूरिज्म पर बात की है, और उनका कहना था कि वो टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों उनके ऊपर इस वक्त होटल सेक्टर का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसको देखकर दोस्तों लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर टूरिस्ट वीजा वालों को भी अलाउ कर दिया जाएगा कनाडा ट्रेवल करने के लिए, लेकिन शर्त उनके लिए भी यही रखी जाएगी कि वो फुली वैक्सीनेट होने चाहिए।
क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे अपनी प्रीवियस अपडेट्स के अंदर भी बताया था कि टूरिज्म सेक्टर इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कनाडा गवर्नमेंट पे कि अगर ऐसे ही चलता रहा टूरिज्म सेक्टर के लिए आगे जाके बहुत सारे मसले फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त टूरिज्म सेक्टर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और अगर आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल रही और इसी तरीके से ट्रैवल बैन चलता रहा तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। जिसको देखते हुए दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने, मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनली इस टॉपिक के ऊपर बात कर ली और उनके इशारे से ये चीज लगती है कि वो टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत जल्द परमिशन दे देंगे कि वो कनाडा में इंटर हो पाए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।